मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया है और एक लंबे इंटरव्यू यानी 80 मिनट का इंटरव्यू है। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें, खास जो बात है वो G20 को लेकर है, लेकिन G20 के अलावा उन्होंने जो देश की आर्थिक स्थिति, स्किल, रोज़गार, बेरोज़गार, इन सब पर उन्होंने एक लंबी बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि जो G20 भारत को अगुवाई मिली है उसने तीसरी दुनिया में शाखा बढ़ाई है। यानी जो G20 ग्रुप है, G20 की जो साख केवल डेवलप कंट्री में थी, उसके अलावा वो थर्ड कंट्री में भी गया है जो विकासशील देश है। जहाँ भी विकास नहीं पहुँचा है वहाँ भी G20 के प्रति आकर्षण बढ़ा है। और उन्होंने कहा कि जो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन समाधानों की ज़रूरत है, उनमें कई पहले से हमारे देश की गति और पैमाने के साथ लागू किए जा रहे हैं। और उसके अलावा उन्होंने एक लंबी, तो इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। इससे पहले कुछ जो महत्वपूर्ण खबरें उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि तमिलनाडु में M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन है, उन्होंने बहुत ही विवादित बयान दे दिया है। और उन्होंने कहा कि जो सनातन धर्म है वो डेंगू, मच्छर, मलेरिया जैसा है। और इसका जो जैसे डेंगू और मलेरिया को मारते हैं, ऐसे ही सनातन धर्म को भी मार देना चाहिए, क्योंकि ये स्थाई धर्म है। तो उसके बाद बड़ी प्रतिक्रिया हुई और इन पर जगह जगह मुकदमे दर्ज हो गए हैं। दिल्ली में भी 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। और अब मुझे लगता है कि जो एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ कहा है, और कुछ और भी स्टेट्स में गए, कुछ लोगों ने ये भी डिमांड किया कि जब मनीष कश्यप ने तमिल लोगों को और बिहारी लोगों के बीच में झगड़ा करवाया था तो उन पर NSA लगा था, तो अब ये उदयनिधि के पर भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। तो अब देखते हैं इस पर कल जब आज कोर्ट खुलेंगे और पुलिस का ऑफिस खुलेंगे, क्योंकि संडे के दिन था, तो मंडे से देखते हैं कितने इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। असल में थोड़ा सा समझना ज़रूरी होगा कि जो ये द्रविड़ है, द्रविड़ आंदोलन है, वो बेसिकली जो ब्राह्मण है उनके खिलाफ है, और जो हिंदू, क्योंकि वो भी हिंदू है, लेकिन वो अपने आप को ये जो आर्यन है, जो बाहर से आए लोग, वो ऐसा मानते हैं कि बाहर से आर्यन बाहर से आए और सनातनी है, सनातन धर्म को मानते हैं। तो इसलिए इन्होंने द्रविड़ को, यानी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयाली लोगों को साउथ में भगा दिया था। तो इसलिए उनका एक थ्योरी है उनके मन में, उस थ्योरी के हिसाब से वो चलते हैं। इसलिए द्रविड़ का एक नफ़रत है नॉर्दर्न के प्रति, वो नफ़रत हिंदी भाषा के प्रति बहुत ज़्यादा दिखती है। तो उसे कहीं एक उनके अंदर जो जहर बोया हुआ है, उस जहर को बार बार बोलते हैं। इससे पहले उन्होंने हिंदी भाषा के बारे में कहा था, फिर मोदी के बारे में भी कहा था, कई बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। और मित्रों, दिल्ली में G20 की तैयारियां हो रही है। आज LG और प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सड़कों पर उतर गए और उन्होंने आज पूरे जायजा लिया तैयारियों का। तो बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है, क्योंकि अब तो 4 तारीख हो गई है और 9 और 10 को 2 दिन शिखर बैठक होगी। तो उससे पहले दिल्ली चकाचक बन जानी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और मित्रों, आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने बहुत ही महत्वपूर्ण एक टिप्पणी की है कि दहेज उत्पन्न और दुष्कर्म का जो झूठा आरोप लगता है वो बहुत ही गंभीर है, ये माफ़ी के लायक नहीं है। यानी जो ये आरोप लगे हैं, जो महिला द्वारा पति के परिवार पर उत्पीड़न और दुष्कर्म का जो झूठा मुकदमा लगाया जाता है वो क्रूरता है, इसको माफ़ नहीं किया जा सकता है, और वैवाहिक रिश्ते में सब चीज़ें नहीं आती हैं। और महिल की अपील को खारिज करते हुए उनकी पारिवारिक अदालत द्वारा पति से अलग रहने के उसके प्रति क्रूरता मानते हुए तलाक की अनुमति देने को चुनौती दी गई थी।
तो कोर्ट ने इसमें कहा कि आप तलाक वलाक जो भी कुछ है सब ले लो, लेकिन ये जो उत्पीड़न का और दुष्कर्म का और दहेज का मामला वगैरह था ये थोड़ा सा खतरनाक है। और मित्रों उसके अलावा ये 9 और 10 को यातायात की बड़ी व्यवस्था की हुई है दिल्ली पुलिस ने, और अतिथि देवो भव की बात हो रही कि हमारे अतिथियों को किसी भी तरह से दिक्कत ना हो, तो इस पर आगे भी चर्चा चलती रही। और मित्रों इसके अलावा जो अब हम जरा इसकी जो प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया है पीटीआई को उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो वसुधैव कुटुंबकम है सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि एक व्यापक दर्शन है, और भारत अब 200 करोड़ कुशल हाथों का देश है। पहले 1 अरब गरीब देशों का देश होता था लेकिन अभी कुशल हाथों का देश है, ये प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में कहा है। और इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि G20 दुनिया के सबसे प्रभावशाली समूह में से एक है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% हिस्सा, और जबकि ब्राज़ील को इसकी अध्यक्षता सौंपने सौंपने जा रहे हैं हम, यानी अगले जो 9-10 हमारे यहाँ जो भारत को इसकी अध्यक्षता नवंबर तक है, नवंबर के बाद ये ब्राज़ील के पास चली जाएगी। तो प्रधानमंत्री से पूछा गया कि ये जो आपने 1 साल में अनुभव सीखा है वो आप जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लुई इनालिसियो लुला डी सिल्वा, इनको क्या सलाह देंगे? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 प्रभावशाली समूह है, इसके प्रश्न के एक भाग का समाधान करना चाहता हूँ जो विश्व के 85% सकल घरेलू उत्पाद का उल्लेख करता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि दुनिया का GDP केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव केंद्रित दृष्टिकोण हो गया। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो विकास का मॉडल है हमारा सबका साथ सबका विकास, ये विकास का मॉडल पूरी दुनिया ने अपना लिया कि कैसे सबका विकास सबके लिए एक जैसी नीति बनाई जा सकती है और उसको डेवलप किया जा सकता है। और भारत ने अफ्रीका संघ को G20 में स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया है, ये ग्लोबल साउथ को एक आवाज़ देने में मदद करेगा। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं आपका ध्यान हमारे G20 की अध्यक्षता के विषय वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक विषय भविष्य के रूप में दिलाना चाहता हूँ। ये नारा नहीं है बल्कि एक दर्शन है, और हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमने पूरी दुनिया को एक भाईचारे की तरह लिया है। और उन्होंने कहा कि जो भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा, भ्रष्टाचार जातिवाद और सांप्रदायिकता की हमारे राष्ट्रीय जीवन में कोई जगह नहीं होगी। और उन्होंने कश्मीर और अरुणाचल में भी G20 की बैठकें आयोजित की गई, पाकिस्तान और चीन की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि भारत के हर भाग में बैठे बैठक आयोजित होना स्वाभाविक है। और उन्होंने ये कहा कि भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, 2047 के अमृत काल वर्ष में आप इसमें कहाँ तक देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसी स्कीमें बनाओ जो हम 25 साल की स्कीमें बनाएंगे कि वो अगले 1000 साल तक याद की जाए, ऐसी स्कीम होनी चाहिए। तो ऐसे देखते हैं प्रधानमंत्री ऐसी कौन सी स्कीम बनाते हैं जिनका असर 1000 साल तक, क्योंकि आजकल तो 1 महीने बाद क्या हो रहा पता नहीं चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया जिसने सब कुछ ओवरटेक कर दिया। तो आज की स्कीमें 1000 साल तक कैसे चलेंगी ये प्रधानमंत्री जरूर इस बारे में स्पष्टीकरण देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो दुनिया भर में मंदी चल रही है तो भारत एकमात्र उभरता हुआ देश है जहाँ ऋण प्रवाह, मुद्रास्फीति नियंत्रण और वैश्विक कर सौदों पर आम सहमति बनने के लिए सबसे तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। और उनका कि ये आकस्मिक नहीं है बल्कि सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन
बहुत सारे हमने काम किए हैं, उसके कारण ऐसा देखने को मिला है। और उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भारत को 1 अरब से अधिक भूखे पेट वाले लोगों के राष्ट्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब भारत को 1 अरब से अधिक आकांक्षी प्रतिभाओं, 2 अरब से अधिक कुशल हाथों और लाखों युवाओं के राष्ट्र के रूप में इसको देखा जाता है। तब उनका कि हमारी जो सबसे बड़ी युवा आबादी, वो आबादी वाला देश है, इसलिए भारत के बारे में दृष्टिकोण बदलना होगा। समाकर्ण में राष्ट्रपति पुतिन को दिए गए अपने आपके एक संदेश में युद्ध का युग नहीं है, ये दुनिया भर में समर्थन हासिल किया। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण अलग संघर्ष हैं, इन सभी को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल करने की आवश्यकता है। साथ ही किसी भी संघर्ष पर हमारा यही रुख है, चाहे G20 अध्यक्ष के रूप में हो या न हो, हम दुनिया भर में शांति सुनिश्चित करने में हर प्रयास का समर्थन करेंगे। और साइबर अपराधों के बारे में भी उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि जो 1 से 10 के पैमाने पर G20 को इसे कहाँ रखना चाहिए, अगर हम साइबर क्राइम की बात करते हैं तो आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई, तो उन्होंने कहा कि साइबर खतरों को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, इसके प्रतिकूल प्रभाव का एक कोण उनके कारण होने वाले वित्तीय नुकसान का है। विश्व बैंक का अनुमान है कि साइबर हमलों में 2019 से 23 के बीच दुनिया को लगभग 5.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव सिर्फ वित्तीय पहलुओं से परे उन गतिविधियों पर चला जाता है जो गहरी चिंता का विषय है। इनमें सामाजिक और भू राजनीतिक प्रभाव को भी हो सकते हैं। इस तरह से उन्होंने बहुत लंबी इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कही और लगभग अपनी बातों में सभी बातों का समावेश किया, जो दुनिया की समस्या है, भारत की समस्या है, और जो भी G20 की कॉन्फ्रेंस, जो शिखर सम्मेलन 9 और 10 को होने वाला है, उसको लेकर है। तो इसलिए टीकाकरण को लेकर उन्होंने बात की कि दुनिया भर में कैसे उन्होंने टीके पहुंचाए लोगों की मदद की, और 2070 का लक्ष्य भी उन्होंने निर्धारित किया कि जीवाश्म ईंधन के बारे में बात की, तमाम विषयों पर उन्होंने बात की। तो इस इंटरव्यू को जरूर देखना चाहिए, सभी टीवी चैनलों पर और अखबारों में ये चलेगा, तो इसमें फिर आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। तो मित्रों, अगर आपके कोई सुझाव तो जरूर दीजिए।